तो बंडे की सब्जी एक बार इस तरह से बनाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। और सब्जी में जैसे देखते हैं कि चिकन हुआ, पनीर हुआ, सारे खाना आप लोग भूल जाएंगे। अब बंडा की सब्जी सोचेंगे इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। पनीर की टक्कर भी देने वाला ये सब्जी है, आपको दो तीन सब्जी का टेस्ट ये सब्जी में आएगा। तो बंडा के छिलका उतार कर इस तरह से सब्जी को छोटे छोटे पीस काट कर भुना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हमारी नंद बनाने चल रही है बंडा की सब्जी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बंडा को ले लिए, बंडा को अच्छे से पानी से धो ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे बंडा की सब्जी में क्या क्या सामग्री डालेंगे दिखा दे रहे हैं। गरम मसाला लिए हैं, अदरक के एक टुकड़ा लिए हैं, यहाँ पे लहसुन लिए हैं, खलबट्टे में दरबरे लहसुन और अदरक को कूट लिए हैं, प्याज को यहाँ पर चस लिए हैं कद्दूकस से, यहाँ पर टमाटर लिए हैं, यहाँ पर धनिया पत्ती, तीन तेज़पात लिए हैं। इधर बंडा को छिलका को बंडा अच्छे से पानी से धो गया है, इसका सफ़ेद से छिलका उतर जाएगा। बंडा को आप उबाल के भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बना रहे हैं तो जैसे देख रहे हैं कि इसको चार भाग एक बंडा में करके हल्का सा पानी जैसे एक गिलास डालकर और नमक डालकर उसमें उबले कर सकते हैं और उसके बाद बंडे की सब्जी बना सकते हैं। इसी तरह से सारे बंडे को छील लेंगे, इसी तरह से बंडा सारे छील लेंगे। अब यहाँ बंडा को इसी तरह से काटा जाएगा जैसे सब्जी की काटते हैं आलू, आप उसी तरह से काटना है इसको भी। तो इस तरह से बंडा सारे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बंडा इसी तरह से कट जा रहा है। तो इसको पनीर या चिकन आप खाना भूल जाएंगे, इस तरह से सब्जी बनाएगा, ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगा इसका। तो इस तरह से ज़रूर एक बार काट कर आप बना के देखें। अब इधर गैस को जला दिए हैं, गैस को जला के कढ़ैया रख दिए हैं, कढ़ैया काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डाल रही हैं तेल को, अब तेल यहाँ गर्म हो चुका है तो इसी में बंडा को डाल दे रही हैं। अब बंडा को इसी तरह चला चला के भुनेंगे, या किसी की लस्सी न छोड़े बंडा पनीर जैसे अच्छे से भुना जाए। और देखने में भी लग रहा है पनीर भुना रहा है यहाँ पर। एक बार बंडा की सब्जी, अब इसी तरह से इसको तीन से चार मिनट तक भुनेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए भूनते हुए इसको दो मिनट हो चुका है, मसाला ले गया है कटोरी में। दो चम्मच गर्म मसाला लेने के बाद से इसमें डला रहा है कश्मीरी पाउडर। कश्मीरी पाउडर से सब्जी जो है कलर बहुत काफ़ी टेस्टी आता है। उसके बाद हल्दी पाउडर इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद इसमें डलाएगा गरम मसाले के बाद राजेश मीट मसाला इसमें डलाएगा एक चम्मच। एक चम्मच राजेश मीट मसाला इसमें डला गया है, पानी डालकर छोड़ जाएगा जाकि मसाले हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अभी भुना गया है तो थाली में निकाल जा रहा है, इसी में सारा बंडे को निकाल जा रहा है। अब इसमें पचफोरन की तड़के दे रही हैं। अब इसमें हींग डालेंगे, हींग डालने के बाद से कुछ गरम मसाला इसमें डाल दे रहे हैं, तेजपात यहाँ पे डाल दिए हैं, इसके बाद लाल मिर्चा। अब यहाँ पे अदरक डाल दे रहे हैं और इसके बाद लहसुन डाल रहे हैं यहाँ पे। अब हल्का सा इन सभी को भून दे रही हैं। हल्का सा भूनने के बाद से यहीं पे डाल रहे हैं प्याज को। प्याज को चस के डालना जाता है इसलिए कि जाके सब्जी बहुत गाढ़ी बनती है और टेस्ट लगता है इसका अच्छा लगता है। अब यहाँ पे प्याज को भून रही है इसी तरह से, प्याज कभी भुनाया नहीं है अच्छे से। अब तड़के भुना गया है थोड़ा सा तो इसमें हम डालेंगे मसाले को। अब मसाले के साथ में नमक डाल जाएगा ताकि मसाला अच्छा से भुना जाए। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक। अब इसमें पानी थोड़ी सी डाल गया है मसाला, जाके अच्छे से बना जाए हमारा।
अब मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ने लगेगा तब तक इसको इसी तरह से पकाना है हमको। अब इसी में बंडे को भी डालकर भूनेंगे। भुइयों गिरा था, भुइयों गिरा था। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद से ढककर पकाएंगे। जब तक इसमें से तेल नहीं छोड़ देगा तब तक इसको भूनेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सब्जी में से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। मसाला जो है कि बहुत काफ़ी अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें पानी को डाल देंगे। पानी इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पानी इतना डाले जाए कि आपकी सब्जी अच्छे से पक जाए। अब इसके साथ में वही बनाएंगी परेठा। तो मंगरेल अजवाइन डालकर आटे या नमक डाल के तैयार कर लिए हैं। सब्जी देखते हैं बहुत काफ़ी टेस्टी चिकन जैसे बन के तैयार हो चुका है। तो किसी को बंडा की सब्जी नहीं बनाने आता है तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत काफ़ी टेस्टी होगा। अब इसके साथ में टमाटर पड़ेगा और धनिया पत्ती इसके साथ में पड़ेगा। अब उसके बाद धनिया पत्ती टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए ढक जाएगा सब्जी। और इतनी काफ़ी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुआ था कि आप पूछिए मत। एक बार बनाएंगे तो पूरे परिवार उंगली चाटते रह जाएंगे आपके। इतनी काफ़ी टेस्टी सब्जी बंडे का लगता है। तो बंडे की सब्जी यहाँ पे देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका हमारा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एक लाइक का आप लोग को बहुत ज़रूरत हमारा है, एक लाइक आप लोग करके जाइए। और देखिए यहाँ पे सब्जी हमारा बन गया है कितनी काफ़ी टेस्टी। आप सब्जी को उतार के एक साइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तावे को रख दिए हैं। तो तावे पे रखने के बाद से बच्चे परेठे के बन के गया था स्कूल, वही चौके बेलन अभी पड़ा है। तो बच्चे के जाने के बाद से घर में खाना फिर स्टार्ट हुआ बनने के लिए। तो यहाँ पे श्याम सुंदर नहीं गए, इनका तबीयत ख़राब था तो इनके लिए परेठा बन रहा है। तो बहनी इसी के बंडे की सब्जी के साथ में देंगे। अब बंडे की सब्जी किसी को मालूम नहीं चलेगा कि आप बंडे की सब्जी बनाए हैं मेरे तरीके से बनाएंगे, तो सभी लोग को मालूम चलेगा सुरन की सब्जी है ये। अब इसी तरह से बहनी परेठा बना ले रही हैं। तो जब भी सोचते हैं कि बहनी बनाती है खाना तो बाबू से बोलते हैं दिखाने के लिए, तो बहनी हर पल अपना जैसे गर्मी वाला कपड़ा पहनी रहती हैं ये, इसीलिए नहीं दिखाते हैं हम उनका चेहरा। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं दोपहर में खाना बनाना पड़ जाता है, बच्चे जाते हैं स्कूल उसके बाद में बनाना पड़ जाता है खाना। तो यहाँ पे देखिए बाबू के लिए सिखा रहा है, क्योंकि रोटी ठंडा हो जाता है तो ये लोग गर्मी रहे चाहे ठंडी खाते नहीं है जल्दी। अब यहाँ पे देखिए परेठा में इसी तरह रहता है कि तेल जब बीच में लगाएंगे आप तो परेठा अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाता है आपका, यही इसका पहचान रहता है परेठा का। अब देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह से तेल लगा लिए हैं, परेठा बहुत काफ़ी अच्छा फूल भी रहा है। यहाँ पे बाबू का पैर आप लोग को दिखाई भी पड़ रहा है कि इसका पैर कि बाबू दिखा रहा है। तो कुछ लोग का कमेंट आता है कि भाभी आप वीडियो कुछ भी बनाकर आप लोग डालते रहिए। यहाँ पे देखिए जीरा राइस चावल बन गया है, प्याज काट के रख गया है।